जोगसर थाना क्षेत्र के सारदा टाकिज के पास काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बेलून भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे बेलून में गैस भरने वाले व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ब्लास्ट के दौरान दो लोग घायल भी हुए हैं। ब्लास्ट होते ही शोभा यात्रा में जा रहे लोगों के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। कई लोगों को हल्की चोट भी आई है। वहीं घायल दोनों लोगों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या बोले? हम उधर से आ रहे थे और ये आदमी जो है यहाँ पे बेलून बेच रहा था। इसका यहाँ पे तीन बच्चा था और ये जो जब बेलून हम लोग उधर से आ रहे थे, अचानक ये ब्लास्ट किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सब एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरने लगा। और जब हम यहाँ पे पहुँचे, देखिए मैं, हमको भी यहाँ पे ब्लड लगा है पूरा यहाँ पे, और अचानक देखे थी पूरा एकदम ब्लास्ट किया, इनका खोपड़ी उड़ गया, आधा हाथ वहाँ पे फेंका हुआ था, फिर वहाँ पे रोड पे गिरा हुआ था। हाँ, घायल दो है, एक छोटा बच्चा है, लगभग 8 साल 9 साल का बच्चा है, वो इसका यहाँ से पूरा हाथ उड़ गया। नहीं नहीं, इसी का बच्चा था। हाँ, इसी का कोई बड़का भाई का बच्चा था और वो अभी थाना गाड़ी प्रशासन गाड़ी आए, उसमें बैठा के लेके गए। भागलपुर में मां काली की विसर्जन शोभा यात्रा देर रात से प्रारंभ हो गई। रात 8:45 पर वेदी से पर्वती की बुढ़िया काली उठी और 6 घंटे में ततारपुर पहुंची। मां काली को भक्तों ने नम आंखों से विदाई दी और कहा, मां अगले वर्ष फिर आना। सड़क के दोनों तरफ मां काली की झलक पाने को लोग कतारों में खड़े दिखे। विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान प्रतिमा के आगे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन भी करते दिखे। शोभा यात्रा के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, CTSP स्वर्ण प्रभात, ASP शुभम आर्य, DSP ट्रैफिक प्रकाश कुमार, SDO धनंजय कुमार के अलावे सैकड़ों महिला पुरुष पुलिस बल शोभा यात्रा में सुरक्षा को लेकर गश्ती करते दिखे। युवाओं ने शोभा यात्रा में जमकर आतिशबाजी भी की। वहीं युवाओं ने लाठी, तलवार, बल्लम, त्रिशूल, फरसा, कटारी एवं अन्य अस्त्रों से कलाबाजी का भी प्रदर्शन किया। काली महारानी की जय, जय मां काली के जयकारे के साथ मां काली का दर्शन करने भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बैंड बाजे, DJ और जगमगाती रोशनी के साथ शुरू हुई विसर्जन शोभा यात्रा में सबसे आगे पर्वती की बुढ़िया काली प्रतिमा रही। उसके बाद अन्य जगहों की भी प्रतिमा को विसर्जित किया गया। नाथनगर, सुजापुर, जरलाही की बड़ी काली, बूढ़ानाथ की बम काली, लालूचक भट्टा की काली के अलावे दर्जनों काली प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन शोभा यात्रा में दर्जनों मूर्तियां अभी भी लगी हुई है। जिला प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद भी भागलपुर में काली मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न नहीं हो पा रहा। मूर्ति विसर्जन जुलूस 24 घंटे से अधिक का होता है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए काली प्रतिमा मूर्ति विसर्जन जुलूस चुनौती भरा होता है। बीती रात काली मूर्ति विसर्जन जुलूस प्रारंभ हुआ और जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। इतने प्रयास के बाद भी इसाकचक थाना क्षेत्र की दो पूजा समिति आपस में भिड़ गए और काफी झड़प हुआ। इसके बाद दोनों पूजा समिति के द्वारा आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू हो गया। गुमटी नंबर 12 के नवयुवक संघ के काली प्रतिमा समिति के लोगों ने गुमटी नंबर 1 बढ़ाई टोला की काली समिति के लोगों पर मारपीट और बमबाजी का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर गुमटी नंबर 1 के बढ़ाई टोला काली समिति के लोगों ने गुमटी नंबर 12 नवयुवक संघ काली समिति के लोगों पर DJ वाहन और काली प्रतिमा के जेवरात लूटने का आरोप लगाया है। इस घटना में भेकनपुर गुमटी नंबर 12 और भेकनपुर बढ़ाई टोला पूजा समिति की तरफ कई लोग घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही ASP शुभम आर्य और इसाकचक थाने के अलावे कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों समितियों के सदस्यों को शांत कराते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। खाना खाने के लिए गए हुए थे, सब ठीक है, और उधर से वो लोग 1 नंबर गुमटी वाला और 12 नंबर गुमटी जो हम लोग का है अगले बगल का है, तो हम लोग सोचे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेरे पति 10 मिनट पहले आया, हम लोग से बातचीत करके हंस बोल के गया और हम लोग फिर इधर उधर चले गए कि चलो ऐसा कोई बात नहीं होगा। वो लोग 10 मिनट के बाद जो है पूरा गुरमीट बना लिया, गुरमीट बना के वो लोग अटैक कर दिया, जिसमें से कि मेरा कि जेवर पूरा चोरी हो गया, 5 लाख रुपए का जेवर, मेरा नया ट्रैक्टर चूर दिया, मेरा DJ चूर दिया और 5 मोबाइल
5 मोबाइल भी हम लोग का वो लोग लेके चले गया, और उसके बाद पूरा मेरा गेट का 3 लाख रुपए का भी सामान हम लोग लगाए थे, और गेट का सामान भी लूट लिया, और डीजे का लैपटॉप। उस समय प्रशासन क्या कर रहा था? उस समय प्रशासन हम लोग को क्या बोला कि 10 बजे आप लोग निकालिएगा और 100 किलोमीटर दूरी पे रखिएगा। प्रशासन आज हम लोग के साथ क्या करवाया? लूट करवा दिया, हम लोग का लुटवा दिया सामान। कहाँ गया प्रशासन? क्या बम बम उम यहाँ से कोई नहीं फोड़ा है, ठीक है? वो कोई भी पड़ाका जो भी फोड़ा हम लोग को मालूम भी नहीं है। वो लोग खूंदक था, वो लोग हर साल कि कभी ये मुंदी चक वाले से, कभी कभी खंजरपुर वाले से हर समय मार करता है। और पिछले बार वो लोग लाइन पे भी नहीं था, इस साल वो लाइन में आया, और लाइन में आ करके हम ही लोग से दोस्ती यारी करके लूट के चले गया। हम लोग का पूरा सामान, जेवर, गेट का सामान पूरा गेट लेके चले गया, दोनों ट्रैक्टर का चाबी लेके चले गया। मेरा ये डिक्सन मोड, दो मूर्तियाँ जो आपस में झगड़ी, और उसमें एक मूर्ति के जो कुछ वाहन उनको क्षति हुआ है, इनकी पुष्टि की जा रही है कि कौन उन्हें क्षति, कितनी क्षति हुई है और किसको चोट लगी है। जो चोट लगी है उन्हें हमने अस्पताल भेज दिया है, और आवश्यक कार्रवाई बाद में की जाएगी। जी, कितने लोग इंजर्ड हैं? अभी तक 2 लोग इंजर्ड होने की पुष्टि हुई है। एक पक्ष का कहना है सर कि प्रशासन के जेवरात के साथ लूटपाट किया गया है, अब वो सब जांच का विषय है। अभी हम देख रहे हैं चीज़ों के, अगर कुछ लूटपाट हुआ है तो उसमें हम आकलन करेंगे, और जो भी उसमें अगर ऐसी अच्छी बात सामने आई कि अगर कोई लूटपाट की घटना हुई है तो उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में महापर्व छठ को लेकर गंगा स्नान करने गई 2 लड़की गंगा की तेज धार में बह गई। बताते चले कि प्रशासन ने कई घाटों को डेंजर जोन में रखा है, जहां प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि वहां ना तो स्नान करें ना ही वहां जाएं, परंतु कुछ लोग उन घाटों पर जाकर स्नान कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा हादसा फिर से हो गया। छठ पर्व को लेकर स्नान करने गई युवती सबौर के बाबूपुर घाट में नहाने के दौरान डूब गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले एक लड़की तेज धार में गई, उसे बचाने के लिए दूसरी लड़की भी उसके बालों को पकड़ना चाहा, परंतु देखते ही देखते दोनों लड़की काल के गाल में समा गई और सबकी आंखों के सामने दोनों की गंगा की तेज धार में बह गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस और SDRF टीम को इसकी सूचना दे दी गई है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और SDRF की टीम दोनों लड़की की खोजबीन में जुट गई है। लड़की की पहचान गोराडीह थाना क्षेत्र के अगरपुर निवासी दिलीप चौधरी और संजय चौधरी की पुत्री रिया कुमारी और संजू कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि छठ पूजा को लेकर संजू और रिया कुमारी गंगा स्नान करने के लिए बाबूपुर गंगा घाट पहुंची थी, इस दौरान गंगा की तेज धार में बह गई। बता दें भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से भागलपुर के कई गंगा घाटों को प्रतिबंधित किया गया है, इसके बावजूद भी लोगों की भारी भीड़ गंगा घाट पर उमड़ती है, जिसको लेकर यह हादसा हुआ है। SDRF के कमांडेंट ने बताया कि भागलपुर शहर के गंगा तटवर्ती इलाके में फिर से पानी बढ़ जाने के कारण गंगा की धार काफी तेज है, जिसके चलते कई घाटों को डेंजर जोन में रखा गया है। वहां जाने से मना करते हुए उन्होंने कहा कि जिन घाटों पर नहाने का आदेश है उसी घाट में आप स्नान करें और पूजा पाठ करें, जिसमें सीढ़ी घाट, बरारीपुर, खिरनी घाट, SM कॉलेज घाट, मुसहरी घाट आदि है। बाकी किसी भी घाटों पर SDRF की टीम ने नहाने से मना किया है। गंगा जी की भीड़ हो रही, कान्हा जी साइड आया तो यहाँ पे गया, ये गंगा जी में वहाँ गया रेत, उसको खींच लिया तो डूब गए। इसी धारा में गई, वो दीवार की तरफ वहाँ तो डूब के देखा है। इधर इधर हाँ, यहाँ एकदम सीधा में देखिए, क्या गंगा स्नान करने आए थे? हाँ, गंगा स्नान के साथ आए थे। सीधा चलते 6-7 जलौनी थी, 2 और 4-5 बच्चा थी उसमें। इधर इधर आई थी? हाँ, इधर आने थी, आई लाने के लिए आए हुए थे। माँ के साथ बच्चे लोग भी आ गए थे, और सुबह बहुत भीड़ थी, भीड़ के कारण जो है धार में जो है बच्चे चले गए। एक बच्चे जब गए थे, दोनों बचाने गए, उनको बचाने के क्रम में वो दोनों बच्चा जो है तेज धार में बह गए। बाकी बच्चे को कुछ जो है ना वहाँ पर छड़ वगैरह कुछ पकड़ाया तो किसी से घाट किस घाट में डूब गए? ये बाबूपुर घाट है। घर कहाँ हुआ? घर अगरपुर। दोनों बच्चे का नाम क्या है? दोनों बच्चे का नाम, एक का नाम जो है रानी है, और एक संजना है, और एक अर्चना है। अर्चना बच गई है। रिया का कितना उम्र होता है? उम्र जो है सारा बच्चे जो है ना 12-13 के
बस्ती में है सर। वो घाट पे खड़े हैं, ये बाबूपुर मोड़ घाट है, यहाँ पे ये सब घाट जिला प्रशासन की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, ये सब घाट है प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी लोग जानकारी के अभाव में हो रहा है या लोग शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, नज़दीक अपने जो नज़दीक घाट होता है वहीं पे लोग जहाँ तहाँ स्नान करना शुरू कर देते हैं, और ये सब प्रतिबंधित घाट है जिसमें कि बेहिसाब पानी है, 60 से 70 फीट पानी है और करंट भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे DPS का कटाव का जो मोर आप देख रहे हैं, यहाँ पे डाइविंग करना भी संभव नहीं है। साथ में यहाँ अभी आप लोगों के सामने हमने देखा कि जकड़ लगाने की कोशिश की, वो भी जकड़ एक बार में ही फंस गया। तो लोगों से मेरी अपील यही रहेगी कि जिला प्रशासन द्वारा जो भी प्रतिबंधित घाट है उसमें स्नान ना करें, क्योंकि हर घाट पे SDRF टीम मुस्तैद नहीं हो सकती। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शाहकुंड असरगंज में स्थित एक पेट्रोल पंप से हुए लूटकांड मामले को DSP लॉ एंड ऑर्डर ने 24 घंटे में उद्भेदन कर दिया। DSP कुमार गौलव ने बताया कि पुलिस ने एक ठोस सबूत एवं CCTV फुटेज के आधार पर घटना में शामिल दोनों मुख्य आरोपी नदीम एवं समजाद उर्फ राजू को एक कट्टा एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों का पहले भी कई आपराधिक इतिहास रहा है। DSP ने बताया कि पेट्रोल पंप के नोजल कर्मी समजद की मिली भगत से नदीम ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद DSP कुमार गौरव ने सभी पेट्रोल पंप के मालिकों से अपने कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। पुलिस ने लूटे गए 1500 रुपए भी बरामद किए। ये बहुत महत्वपूर्ण उद्भेदन है, 48 घंटे के अंदर ये लूट का जो कांड है उसको एक टीम ने गठित किया गया और उसका उद्भेदन हुआ है। देखिए ये जो पूरा सिलसिलेवार इस तरीके से ये कांड घटा, 24/10/22 को दीपावली वाला दिन था, सुबह 4:45 पे बागेश्वरी पेट्रोल पंप जो कि शाहकुंड असरगंज मार्ग तहबलपुर नगर, ये पेट्रोल पंप में 40,000 की लूट हुई और जो मालिक थे उन्होंने उनके बयान पे ये लूट की घटना दर्ज की गई, और ये जो लूट है नोजल मैन मोहम्मद समजाद उर्फ मोहम्मद राजू उससे केस के सेंसिटिविटी को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर और CTSP सर के मॉनिटरिंग में एक टीम का गठन किया गया, और इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोग को इसमें इस लूट के क्रम में गिरफ्तार किया गया। एक मोहम्मद नदीम उसको गिरफ्तार किया गया और एक नोजल में। तो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में ये पाया गया कि जब टीम ने CCTV फुटेज का जब अवलोकन किया तो उसमें जो नोजल मैन है मोहम्मद राजू वो सस्पेक्टेड पाए गए। कहीं ना कहीं जो अभियुक्त आ रहा था वो एक डरा हुआ था और जो नोजल मैन था उसने ही ये घटना जो है रचा था, वो सोया नहीं था, वो कहीं ना कहीं अभियुक्त को देख रहा था पेट्रोल पंप में कि वो अंदर कैसे आ रहा है, तो पुलिस को शक हुआ और उसने इस एंगल से भी अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। जब CDR का अवलोकन किया गया तो टेक्निकल एविडेंस में आया कि 12:20 से लेकर 4:37 सुबह तक 34 कॉल्स जो हैं मोहम्मद राजू ने, जो कि नोजल मैन था पेट्रोल पंप में और ये मालिक का ड्राइवर भी था पेट्रोल पंप का, उसने एक नंबर पे कॉल किया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये नंबर जो है मोहम्मद नदीम का निकला और टेक्निकल एविडेंस जो है थ्रू टेक्निकल एविडेंस ये कांड जो है कहीं ना कहीं नदीम के ऊपर इशारा किया और गुप्तचर की तैनाती की गई, और गुप्तचर की तैनाती करके उसका हुलिया जो भी हुलिया था जो CCTV कैमरे में आया था उसका जो लूटने के क्रम में, तो वो हुलिया जब गुप्तचर को बताया गया तब उस गुप्तचर के माध्यम से उसने टोपी पहन रखा था, मास्क पहन रखा था, गमछा पहन रखा था, उसको गिरफ्तार किया गया असरगंज मोड़ से। आपराधिक इतिहास वगैरह सर? आपराधिक इतिहास जो है नदीम का एक हबीबपुर में आपराधिक इतिहास है, और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से आर्म्स, गोली, मोबाइल और जो कपड़ा पहना हुआ था वही कपड़ा जो है गिरफ्तारी के वक्त उसके वो कपड़ा पहना हुआ था, और उसको तेल का पर्ची भी मिला जो कि उसी पेट्रोल पंप का था नदीम के पास। नदीम का कन्फेशन लिया गया और कन्फेशन में उसने नोजल मैन जो मोहम्मद राजू है उसके बारे में बताया कि मोहम्मद राजू का ही प्लान था कि उसके पास 40,000 रुपये है जो उससे एक लूट की घटना वो साजिश की तरह उस भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के जिला परिषद के बगल में स्थित भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उप डाकघर और जिला अभियंता कार्यालय में देर रात चोरों ने कार्यालय का ताला तोड़कर चोरी कर लिया, साथ ही वहां साफ सफाई करने वाले फूचो मंडल की ईंट से कूच कर हत्या कर दी। मृतक कार्यालय में साफ सफाई का काम करता था और देर रात यहीं पर था। परिजनों का कहना है कि सुबह जब वो नहीं आए तब उनकी खोजबीन की गई और जब जिला परिषद कार्यालय स्थित डाकघर पहुंचा तो देखा वहां उनका सब पड़ा हुआ है, वहीं दोनों कार्यालयों का ताला टूटा हुआ देखा गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई।
डाकघर के अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। परिजनों का कहना है कि मृतक यहां साफ सफाई का काम करते थे, जबकि डाक अधीक्षक का कहना है कि वो उनका कोई काम नहीं करते थे। घटना के बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम को खबर दी गई और आसपास लगे सीसीटीवी को भी खंगाल रही है, जिससे चोरों और हत्यारों का सुराग मिल सके। वहीं परिजन दावा कर रहे हैं कि उनके पिता यही काम करते थे, जबकि डाक अधीक्षक इस बात से इनकार कर रहे हैं। इसको लेकर परिजनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बाप इस जगह पे मौजूद है, इस जगह पे जब हम इसको घर बुलाने ले आते थे, कोई पर्व त्योहारी होता था, तब मेरा बाप को जबरदस्ती हम पकड़ के ले आते थे। तब मेरा पिता एक रात रहता, दूसरा रात में इधर से गुज फोन घुसता था, बुलाता था ऑफिस से कि संजय कहाँ है, आ ऑफिस आ। हम लोग बात करते थे, मगर हमारा पापा बात नहीं करवाता था। कभी हमको कोई ऑफिस सरकारी से मिले भी नहीं थे। ऑफिस था, उधर करता था, इधर रहता था, उधर भी झाड़ू मारता, साफ सफाई करता है, साफ सफाई का काम करता है। जी ऑफिस से ना करवाता है लोग। अभी घटना हो गया है तो हम अगर चोरी करें, हम बोलेंगे हम चोरी किए हैं, या हम किसी को मार देंगे, हम बोलेंगे आदमी को मारे हैं, नहीं बोलेंगे भाई घटना ही घटना हो गया, कौन बोलेगा कि हम किया ना, कौन बोलेगा, नहीं बोलेगा। काम करता था, नहीं काम करता है। मेरा पिताजी का नाम है पुच्चो मंडल। यहाँ कोई गार्ड नहीं है डाकघर में, और नहीं डाकघर में कुछ नहीं, माने कोई है रिलेशन इनका कुछ नहीं है। और मेरा पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का ताला टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक जब तक कि पुलिस की इंक्वायरी नहीं होती है, यहाँ कोई डाकघर में कोई उनका संबंध नहीं था, डाकघर से कोई संबंधित नहीं थे। और केवल इनका हम लोग सोच देख रहे हैं कि इनका पड़ा हुआ है, कैसे यहाँ आए हैं, इसका भी कुछ पता नहीं हम लोग को, और बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में जो होगा उसके बाद बताया जाएगा। चार दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत शुक्रवार से हो जाएगी, जिसको लेकर अहले सुबह से ही व्रती महिलाएं और श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर के अलग अलग गंगा घाटों पर पहुंचने लगे थे। बरारी स्थित सीढ़ी घाट, पुल घाट सहित कई घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद अपने साथ गंगा जल भी लेकर घर के लिए जा रहे थे। प्रशासन के द्वारा कई घाटों को रेड अलर्ट जोन में रखा गया है। गंगा घाट की व्यवस्था देखकर श्रद्धालु काफी नाखुश दिखे। सबों का एक में कहना था कि प्रशासन की ओर से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं, ना तो बैरिकेडिंग की गई है, ना ही बिजली की व्यवस्था की गई है, ना ही एसडीएफ टीम की व्यवस्था भी घाटों पर दिखाई दी। अगर थोड़ी भी भगदड़ हो जाए तो बड़ी घटना हो सकती है। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए हैं, लेकिन घाट की व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं दिखा। भागलपुर जिले के कहलगांव गंगा राज घाट में अहले सुबह नहाने के दौरान मां बेटा गंगा में डूब गए। डूबे लोगों को एसडीआरएफ की टीम गंगा में खोज रही है। इस संबंध में पूछे जाने पर कहलगांव सीओ ने बताया कि अभी तक डूबे लोग नहीं मिले हैं, खोजबीन जारी है। आपको बता दें, हाल में ही कहलगांव के पंपू घाट में पैर फिसल जाने से शहर का एक युवक गंगा में डूब गया था। एसडीआरएफ की टीम अभी तक शव बरामद नहीं कर पाई। कहलगांव के गंगा में हालिया दिनों में पानी में बढ़ोतरी हुई है और गंगा काफी खतरनाक भी हो चुकी है। थोड़ी सी चूक या फिसल जाने से लोग गहरे पानी में चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी में करंट है, इससे भी लोग नहीं बच पाते। आपको बता दें, इन दिनों कहलगांव की गंगा में मगरमच्छ घूमते रहते हैं। बताया जा रहा है कि 20 से 25 की संख्या में मगरमच्छ गंगा में तैरते रहते हैं। इस संबंध में वन विभाग के पदाधिकारियों से बात करना चाहा तो संपर्क नहीं हो पाया। वन विभाग के प्रति कहलगांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। छठ पर्व नजदीक है, गंगा में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस पानी में करंट भी है। गंगा में 20 से 25 की संख्या में मगरमच्छ है, इसको लेकर छठ व्रती श्रद्धालु एवं आम लोगों में दहशत है। प्रशासन के खिलाफ लोगों में खासी नाराजगी है, जो कि सोशल मीडिया पर लोग व्यक्त कर रहे हैं। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दीपावली मिलन समारोह व अर्धवार्षिक पत्रिका विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया। चैम्बर अध्यक्ष श्रवण बाजोरिया ने कहा कि दीपावली पर्व हमारे आपसी भाईचारे और रिश्तों को मजबूत करता है। दीपावली जहां रोशनी का पर्व है, वहीं स्वच्छता का प्रतीक भी है। वहीं महासचिव पुनीत चौधरी ने कहा कि सभी व्यापारियों के बीच आपसी भाईचारा बने रहे, इसलिए दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साथ ही उपाध्यक्ष शरद लाल पुरिया ने कहा कि चैम्बर व व्यापारी दोनों आपस में एक परिवार की तरह रहे, इस मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य यही है। इस अवसर पर ओम प्रकाश कनोडिया, आशीष सर्राफ, पंकज टंडन, सुमित जैन व अजीत जैन के अलावे दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। आज दीपावली मिलन समारोह है और ये
हिंदू धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक है। दीपावली में हम लोग आपस में लोग मिलते हैं, भाईचारा का प्रेम रहता है, स्थापित करते हैं। इसीलिए जो है ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने दीपावली मिलन समारोह चैम्बर भवन के नीचे प्रथम तल में मनाया है। इसमें हम लोग के जितने भी मेंबर्स हैं, सामाजिक आदमी हैं, पदाधिकारी हैं, हर लोगों को हम लोगों ने इन्वाइट किया। ऐसा नहीं कि चैम्बर के लोग ही सिर्फ आएंगे, नहीं, समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन लोगों को हम लोगों ने इसमें इन्वाइट किया है और उनके लिए जो है यहाँ पर हम लोग गेट टुगेदर का एक कार्यक्रम रखे हैं। देवताओं के लेखपाल भगवान चित्रगुप्त की पूजा शहर में लोगों ने श्रद्धा के साथ किया। मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी रखते हैं। उनकी पूजा के दिन नई कलम दवात या लेखनी की पूजा उनके प्रतिरूप के रूप में की जाती है। लेखनी की पूजा से वाणी और विद्या का वरदान मिलता है। कायस्थ या व्यापारी वर्ग के लिए चित्रगुप्त पूजा दिन से ही नववर्ष का आगाज माना जाता है। इस दिन व्यापारी नए बही खातों की पूजा करते हैं। वहीं बही खातों पर श्री लिख कर कार्य प्रारंभिक करने का विधान है। शहर के सिकंदरपुर में एकमात्र चित्रगुप्त मंदिर में धूमधाम के साथ चित्रगुप्त पूजा मनाई गई। काफी संख्या में लोग पूजा में पहुंचकर भगवान चित्रगुप्त से परिवार की सुख समृद्धि को लेकर वरदान मांगा।